लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों यह चर्चा बड़ी जोर शोर से चली। दो तरह के जो है न्यूज आने शुरू हुए। एक जब मोहन भागवत जी का इंटरव्यू आया तो कुछ लोगों ने हेडलाइन इस तरह से बनाया कि राहुल गांधी का जवाब दिया मोहन भागवत जी ने, और कुछ लोगों ने यह चर्चा शुरू की कि आरएसएस तो स्वागत कर रही है यात्रा का, तो फिर आरएसएस के ऊपर जो है क्यों हमला किया जा रहा है। पहली, हम आरएसएस और बीजेपी को अलग-अलग नहीं देखते हैं। हमारी समझदारी में आरएसएस जड़ है, बीजेपी उसका फल है। ये भ्रम हमारे मन में नहीं है। भले वो कहते हो कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं, लेकिन उनकी पूरी की पूरी विचारधारा राजनीति पर आधारित है। और इस बात को हम यहां स्पष्ट करना चाहते हैं कि धर्म देश का है, सांप्रदायिकता देश का नहीं है। आरएसएस धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जैसे दही दूध से बनता है, लेकिन दही दूध नहीं होता है। दोनों की प्रकृति अलग-अलग होती है, नेचर अलग-अलग होता है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति किसी का खून बहाना, किसी को मारना, किसी के ऊपर हमला करना, नफरत फैलाना, इस तरह की चीजों का समर्थन नहीं करता है। धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके अगर राजनीति की जाती है, जब राजसत्ता और धर्म को मिलाया जाता है, तो वो धर्म नहीं है, वो राजनीति है। इसीलिए हमारी नजर में आरएसएस सांस्कृतिक संगठन नहीं है। सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल करती है अपने राजनीतिक लाभ के लिए।